सलाम नमस्कार, मैं अनम जाहिद और आप देख रहे हैं 24 तक न्यूज। आइए नजर डालते हैं 10 फटाफट खबरों पर। गुजरात में ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने कांग्रेस के घोषणा पत्र पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि यहां कांग्रेस पिछले 27 सालों से चुनाव नहीं जीत पाई, उनका एक भी सांसद नहीं है। वो गुजरात के अहम मुद्दों पर बात करने के बजाय नाम बदलने की बात कर रहे हैं। मैं कांग्रेस के घोषणा पत्र को चेक नहीं करता हूं। जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला ने लखनऊ में सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से की मुलाकात। इस दौरान देश प्रदेश और जम्मू कश्मीर के हालात पर चर्चा हुई। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि महंगाई बेरोजगारी के मुद्दे पर हम सभी लोग चिंतित हैं। एमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि जो पार्टी 27 सालों से बीजेपी को गुजरात में सत्ता में आने से नहीं रोक सकी, वो आपके वोट की हकदार नहीं है। मजलिस के उम्मीदवार का साथ दें ताकि आपके मसाइल का हल किया जा सके। लखनऊ, कानपुर, मुरादाबाद में फिर से महसूस हुए भूकंप के झटके। 5.3 रही तीव्रता। लखनऊ समेत यूपी के कई जिलों में आया है भूकंप। किसी भी बड़े भूकंप के बाद 6 माह तक छोटे भूकंप आ सकते हैं। इनकी तीव्रता हर बार घटती रहती है। कई बार बड़े बड़े झटके महसूस हो सकते हैं। लखनऊ अंबरगंज वार्ड की जनता ने AIMIM के प्रत्याशी मोहम्मद असलम के हित में अपनी संवेदना प्रकट की। साफ शब्दों में जनता ने बताया कि वार्ड में जो काम करेगा वही पार्षद बनेगा। मोहम्मद असलम ने पिछले 8 महीनों से जो काम करके दिखाया है, हम सभी लोग ऐसे ही पार्षद की तलाश में थे। अब पूरा वार्ड एक आवाज में कहेगा जय मीम जय भीम। पूर्व केंद्रीय मंत्री और लंबे समय से कांग्रेस में अपनी जड़ें जमा चुके सलमान खुर्शीद को अब अपनी उपेक्षा काफी खराब लगने लगी है। लखनऊ में शनिवार को एक कार्यक्रम में पधारे सलमान खुर्शीद का दर्द छलक गया। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया के खिलाफ भाजपा प्रदेश प्रवक्ता ने हजरतगंज कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराने के लिए दी तहरीर। एक न्यूज चैनल में डिबेट के दौरान अभद्र टिप्पणी करने का लगाया आरोप, इससे तमाम लोग आक्रोशित हो गए। कानपुर जाजमऊ में डिफेंस कॉलोनी में KDA के प्लाट में स्वामित्व विवाद में महिला ने सपा विधायक इरफान सोलंकी की और उनके भाई रिजवान सोलंकी पर झोपड़ी जलाने और धमकी देने का आरोप लगाकर मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस सोलंकी भाइयों की तलाश कर रही है। संरक्षक मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद रिक्त है मैनपुरी लोकसभा सीट। पूर्व सांसद धर्मेंद्र यादव ने किया डिंपल यादव की ऐतिहासिक जीत का दावा। कार्यकर्ताओं में ताकत झोंक रही है सपा। सपा का गढ़ रही है मैनपुरी लोकसभा सीट। वाराणसी में डेंगू के संक्रमण का आंकड़ा 300 के करीब पहुंच गया है। कई अस्पतालों में बेड फुल हो चुके हैं। मलेरिया विभाग की रिपोर्ट के अनुसार 1 जनवरी से अब तक 1223 लोगों को डेंगू हो चुका है। इनमें 1168 लोग स्वस्थ हो गए हैं। अब तक डेंगू से 7 लोगों की मौत हुई। 2021 में डेंगू से 1200 पीड़ित व 2 की मौत हुई थी। कैसी लगी आपको वीडियो, कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय दें। जुड़े रहें और देखते रहें 24 तक न्यूज। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल में जो बेल आइकन है उसे जरूर प्रेस करें, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।